हुआ था सरकार के वो थे हंसराज खन्ना। और जो चार व्यक्ति पक्ष में थे सरकार के उनमें से तीन यही थे, अजीत नाथ रे, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, वाई वी चंद्रचूड़ और एक जज जो बाद में बहुत फेमस हुए उनका नाम था पी एन भगवती। रोचक बात है कि एस एम सीकरी के बाद ये 13वें चीफ जस्टिस थे हमारे, 14वें चीफ जस्टिस ए एन रे बने, 15वें मिर्जा हमीदुल्ला बेग बने, 16वें वाई वी चंद्रचूड़ बने, 17वें पी एन भगवती बने। इनमें से दो तो सीनियोरिटी से ही बने, लेकिन दो चीफ जस्टिस सीनियोरिटी से नहीं बने, जिनमें से ए एन रे सीनियोरिटी से नहीं बने। 77 में जब ए एन रे रिटायर हुए तो सीनियर मोस्ट कौन थे? हंसराज खन्ना थे। पर हंसराज खन्ना ने केशवानंद भारती केस में भी और बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में भी इंदिरा सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे। इसलिए जिस दिन ए एन रे रिटायर हुए घोषणा हुई कि अब मिर्जा हमीदुल्ला बेग भारत के चीफ जस्टिस होंगे और हंसराज खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, इनके बाद सीनियोरिटी में हमीदुल्ला बेग आते थे। एक खराब परंपरा बनी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो बनेगा जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएगा। 1993 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसला दिया नई जजेस की बेंच ने, और उस फैसले में लिखा कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस होगा, उसके बाद से स्थितियां ठीक हुई वरना स्थितियां खराब हो गई।